शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे बिरयानी पसंद ना हो। आज है 7 जुलाई, तो इस डेट को बिरयानी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लगभग हर किसी को बिरयानी पसंद होती है, तो ऐसे में इस खास दिन पर आप भी बिरयानी बनाकर इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज बिल्कुल आसान तरीके से पनीर बिरयानी बनाएंगे। तो पनीर बिरयानी बनाने के लिए 300 ग्राम पनीर लिया है। इसे क्यूब्स में काट कर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है। 2 बड़े साइज के प्याज को लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर मैं इस पर थोड़ी सी चीनी और नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ, जिससे ये प्याज जल्दी फ्राई हो जाएंगे और साथ ही क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अब मैरिनेट किए हुए पनीर के टुकड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा गोल्डन रंग आ जाए तब तक पनीर क्यूब्स को फ्राई करना है। इसके बाद उसी पैन में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दे और थोड़े से ऑयल में 1 बड़े साइज का प्याज और 2 टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट करके भून ले। इसमें 5 से 6 काजू डाल दे। अब इस प्याज टमाटर के मसाले को ठंडा कर ले और मिक्सी जार में ग्राइंड कर ले। पैन में जिस ऑयल में प्याज हमने फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करना है और अब ऑयल के गर्म होने पर उसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला फ्राई कर लेते हैं। मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से चलाते हुए सूखे मसालों को भून लेते हैं। तैयार मसाले में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ और धनिया पत्ती को भी बारीक कर कर इसमें मिला देते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राइड अनियन और फ्राइड पनीर क्यूब्स भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला देते हैं और इसे मसाले में फ्राई होने देते हैं। तब तक चावल पका लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 बाउल के करीब बासमती चावल लिया है। 2 से 3 बार पानी से इसे वॉश करने के बाद इसे ढेर सारे पानी में पकाने के लिए रख देते हैं। जैसे ही चावल का पानी गर्म होता है वैसे ही इसमें मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, स्टार फूल, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च को इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही 1 चम्मच देसी घी और नींबू की 2 स्लाइस भी इसमें मिला दिए ताकि चावल एकदम सफ़ेद बने। चावल को मैंने 80% तक ही कुक किया है। इन्हें तुरंत ही स्टैंड कर लेते हैं जिससे चावल एकदम खिला खिला बनेगा। इधर चावल में से नींबू की स्लाइस और खड़े मसाले भी हटा देते हैं क्योंकि खड़े मसालों का फ्लेवर चावल में आ चुका है। इधर मसाला अच्छे से कुक हो चुका है तो इस समय गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच दही मिला देंगे और तुरंत ही इसे चला लेते हैं। दही मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे और बिरयानी की लेयर लगाकर इसे दम देंगे। 1 बड़े साइज का मोटे तले वाला ट्राइप्लाई पैन लिया है। इसे घी से ग्रीस कर लिया है जिससे मसाला नीचे ना लगे और अब इसमें पनीर मसाला की लेयर नीचे जमा दी है। फिर इस पर चावल की लेयर लगा दी है और इस पर फ्राइड अनियन और कटी हुई धनिया पुदीने की पत्तियां भी डाल दी है। 1 चम्मच देसी घी फैलाते हुए डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और भिगोए हुए केसर का दूध भी इस पर स्प्रिंकल करेंगे। इसी तरह से दूसरी लेयर को भी तैयार करेंगे। बिरयानी सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि एक इमोशन है और इसके साथ लोगों का एक खास तरह का रिश्ता होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर होने वाली डिश में से एक बिरयानी ही है। तो जो बिरयानी लवर्स है वो इसे खाकर इस दिन को और भी स्पेशल बना सकते हैं। ये एक ऐसी डिश होती है जिसमें एक ही पॉट में आपको सारे फ्लेवर मिल जाते हैं। इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इस पर ऊपर से 1 चम्मच केवड़ा वाटर भी मिला देंगे। तो चावल की सभी लेयर तैयार हो चुकी है तो पैन को ढककर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। इसके बाद देखिए एकदम मुंह में पानी ला देने वाली लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार है। बस तो आज बिरयानी डे पर आप भी अपने हाथों से अपनों के लिए लजीज फ्लेवरफुल बिरयानी बनाएं। और वैसे भी आज संडे है तो इस संडे को आप बिरयानी बनाकर स्पेशल बना सकते हैं। तो इस लजीज बिरयानी की खुशबू आपको कैसे लगी अपने प्यारे से कमेंट में मुझे जरूर बताएं और ये भी बताएं कि बिरयानी में आप इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं।